हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास की। इतिहास का क्या क्या पाठ्यक्रम आपके सिलेबस में शामिल है और किन किन पार्टों से आपको प्रश्न आते हैं, किसको प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है और किसको मुख्य परीक्षा में पढ़ना है। तो अब आप देखिए कि इतिहास आपका ये मुख्य विषय है। इतिहास के मुख्य रूप से तीन पार्ट बट जाते हैं अध्ययन के दृष्टि से। अब आप देखेंगे इसका आपका प्रारंभ प्राचीन है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल अभी तीन इतिहास हैं। अब तीनों इतिहास में से आपको ये तीनों प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है। ये आपके मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे। इसके बाद ये भारत का इतिहास है। क्या था? भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। अभी आपका भारत का इतिहास था। अब दूसरा आपका पार्ट जो है वह है विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। अब विश्व इतिहास में अगर आप देखेंगे तो विश्व इतिहास दो भागों में बट जाता है। एक आपका है एशिया और दूसरा है यूरोप व अमेरिका। ये इतिहास है, ये विश्व इतिहास है आपका, एशिया और यूरोप व अमेरिका। अब आप सोचिए कि ये जो इतिहास, इसमें जब आप पढ़ते हैं इसमें किन किन बिंदुओं को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब आपको बता दें कि इसमें जो प्रश्न है, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो कभी भी परीक्षा में नहीं आता। अगर आप स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों में डिफरेंट क्या है पहले आप समझ लीजिए। अगर एसएससी का बालक है और यूपीएससी के सिलेबस का अध्ययन करता है, इन इतिहास का अध्ययन करता है, तो उसको क्या क्या पढ़ना है? युद्ध का स्थान ये पढ़ना है, फिर युद्ध किसके बीच में हुआ, फिर पराजित कौन हुआ, उसको शासन भी पढ़ना है, कला भी पढ़ना है और पतन भी पढ़ना है। अभी एसएससी के बालक के पढ़ने के लिए है, क्योंकि उसको पूछ लेता है युद्ध का स्थान, पानीपत का युद्ध कहां हुआ, पानीपत का युद्ध किनके बीच में हुआ, पानीपत के युद्ध का समय क्या था, बीच में हुआ वह समय भी रहता है इसमें, समय मतलब कब हुआ, इतनी चीजें पढ़ना है। पराजित कौन हुआ, शासन पद्धति क्या थी, कला क्या है और उस शासन का पतन कैसे हुआ, और इसके अतिरिक्त संस्थापक ये पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप पीसीएस में आएंगे तो पीसीएस में भी प्रायः इस तरह का पूछता है, प्रायः कुछ पीसीएस ऐसे हैं जो पूछता है इस तरह का, उनको भी पढ़ना है। पीसीएस यूपीएससी यूपीपीएससी तक चल जाएगा, मतलब पीसीएस में ये चल सकता है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं जानकारी की, सामान्य जानकारी। लेकिन अगर आप यूपीएससी में पढ़ेंगे तो यूपीएससी में पढ़ने का तरीका एकदम बदल जाता है।
यूपीएससी में आपका कभी भी युद्ध नहीं पूछेगा, युद्ध का स्थान नहीं पूछेगा। आपको यूपीएससी में मुख्य रूप से पढ़ा जाता है कला, कला पर आपको फोकस करना है, साहित्य पर फोकस करना है, संस्थाएं, धर्म और संस्थाएं, धर्म और प्रशासन, प्रशासन इतनी चीजें पढ़ना है। और ये आपके पढ़ना जो है मुख्य रूप से ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तीनों में आएगा। इस तरह से आपको पढ़ना, सबसे ज्यादा फोकस करना है कला पर, फिर साहित्य पर, संस्थाएं कौन कौन सी थी, धर्म क्या है और प्रशासन क्या है, ये आपका पढ़ना है मध्यकालीन तक। लेकिन जैसे ही आप आधुनिक काल में आएंगे तो आधुनिक काल में आपका पुनः पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। इसमें स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न आएंगे, संस्थाएं कौन कौन से बनी, भारत व विदेशी दोनों प्रकार की संस्थाएं पढ़ना है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किसी भी प्रकार से योगदान दी हो, इस तरह से इसको पढ़ना। सैनिक संगठन क्या है, युद्ध भी आपको पढ़ना पड़ जाता है, युद्ध भी पढ़ना है इसमें। अब इसमें इसके बाद युद्ध पढ़ना है, आंदोलनों पर फोकस करना है, और विशेष रूप से सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई भी एनबी हो, एनबी का मतलब होता है न्यूज पर आधारित। अब न्यूज पर आधारित कोई भी घटना जो अपना या तो 200 साल पूरी कर रही है या 100 साल पूरी कर रही है या 150 साल पूरी कर रही है, इस घटना पर विशेष रूप से फोकस करना है। इसी को एनबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनबी। लोग करंट अफेयर मान लेते हैं, करंट अफेयर नहीं है बल्कि ये एनबी है। एनबी का मतलब हो गया कि न्यूज बेसिस, न्यूज पर बेस, न्यूज पर आधारित प्रश्न, समाचारों पर आधारित प्रश्न जो हाल में चर्चा में रहा, इस तरह से भी प्रश्न ये आते। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ना है, जबकि मुख्य परीक्षा में आपको पढ़ना है एशिया का इतिहास। एशिया के इतिहास में आपका जो है चीन की क्रांति, चीन की क्रांति ये पढ़ना महत्वपूर्ण है। चीन की क्रांति, इंडो बर्मा संबंध क्या रहा, इस तरह से पढ़ना है। यूरोप में अब आप तो समझ गए क्रांतियां, रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी, इटली, महानायकों के रूप में आप इसमें पढ़ेंगे, खास करके बिस्मार्क, नेपोलियन, बिस्मार्क और नेपोलियन, हिटलर, इनको आपको पढ़ना। इसके अतिरिक्त जो है मैजनी, कुछ दार्शनिक है मैजनी, काफूर, गैरी वाल्डी, इनको पढ़ेंगे, इनको विशेष रूप से चर्चा करनी है इस इतिहास में, वर्ल्ड इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसके अतिरिक्त जो है जब आप यूरोप के इतिहास के अतिरिक्त जब बाहर जाएंगे, अब इसमें आपने कार्ल मार्क्स है, क्या है, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स को विशेष रूप से पढ़ना है। अब जैसे ही अमेरिका की क्रांति में हम चलते हैं, ये महानायकों के अतिरिक्त जब अमेरिका की क्रांति में हम चलेंगे, तो अमेरिका की क्रांति में कौन कौन से मुख्य रूप से नायक रहे हैं, क्योंकि बाकी एशिया के सभी देश उस समय गुलाम थे जब ये इतिहास
जिस समय लिखा गया था तो विशेष रूप से इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए कि इतिहास, जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं इसमें पुनर्जागरण पढ़ेंगे। पुनर्जागरण में मुख्य रूप से आप पढ़ते हैं तो पुनर्जागरण में आप इसको पढ़ेंगे, पुनर्जागरण का कारण क्या था, प्रभाव, कारण और प्रभाव, ये आप पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या, प्रभाव, कारण और प्रभाव, कारण क्या था, प्रभाव क्या था। और अगर आप एक और इसमें जोड़ सकते हैं, भारत पर प्रभाव, अगर जो वहां पर हुआ, फिर औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांतियों को पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे, और वहां के दार्शनिकों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद अमेरिका को आप पढ़ेंगे। अब ये अमेरिका है, अमेरिका की भी क्रांति होगी, अमेरिका की क्रांति पढ़ना है, विश्व की महान क्रांतियों में एक क्रांति में अमेरिका की क्रांति भी शामिल है। विश्व की महान चार क्रांतियां हो, चार क्रांतियों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका, ये चार क्रांतियां हुई विश्व की। तो ये विश्व क्रांति में आप अमेरिका को पढ़ेंगे। अब इसमें वाशिंगटन, बुकर टी वाशिंगटन, जिनके नाम पर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे और इनके नाम पर ही अमेरिका की राजधानी का नाम भी है वाशिंगटन डीसी, तो अमेरिका को पढ़ेंगे। अब अमेरिका पूरे विश्व को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बाद आप पढ़ेंगे दो महायुद्ध, दो महायुद्ध, दो महायुद्ध में आप इसमें पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे और अंतिम में क्या पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ये आपका मुख्य रूप से सिलेबस हो गया। आधुनिक समय में इनका क्या क्या असर दिखाई दे रहा वर्ल्ड पर, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका मुख्य रूप से सिलेबस है किसका, इसका। और इसमें आप जो पढ़ाई करते हैं, अगर जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इतिहास, इतिहास जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन्हें तो इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, मुगल काल को भी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आधुनिक प्राचीन भारत, आधुनिक भारत विशेष रूप से पढ़ा जाता है, मध्यकाल में केवल कला पर थोड़ा सा फोकस कर दीजिए बस। और यहीं से क्वेश्चन, कुछ लोग क्या बोलते हैं प्राचीन भारत से प्रश्न नहीं आते, तो आपको बता दें 2018 का पेपर उठा के देख लीजिए, मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और किसी भी साल की परीक्षा में इतिहास से कम 15 से 20 क्वेश्चन आना ही आना, तीनों इतिहास मिलाकर के। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका मुख्य परीक्षा में है, इसे प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पढ़ना है। ये आपका इतिहास का मुख्य सिलेबस रहा, पाठ्यक्रम रहा। अब आप जानेंगे भारत, अब हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह क्या है, अब हम देखते हैं कि जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं इतिहास है क्या। इतिहास, इतिहास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिस्टोरी, हिस्ट्री, हाँ इसी को हिस्टोरी भी पढ़ा जाता है। इतिहास जो है इति धन हास शब्द से मिलकर बना है, इति का अर्थ होता है ऐसा, हास का मतलब होता है घटाया हुआ था। प्रायः इसका विभाजन तीन शब्दों में भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे कर सकते हैं इति धन ह धन आस, संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इति माने होता ऐसा और हा माने होता निश्चित, जैसे आप किसी चीज की स्वीकृति देखते हैं क्या करते हैं, हा बोलते हैं ना, वही हा है, तो निश्चित। फिर आस माने हुआ या घटा, अर्थात इतिहास केवल कपोल कल्पित कल्पना नहीं है बल्कि जो हुआ या घटा वह इतिहास, वह क्या है, इतिहास है। इसी को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इतिहास।
अब आप बोलिए कि इतिहास ये हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ, वह इतिहास है। अब इतिहास के विभाजन की बात करें प्राचीन इतिहास के, तो प्राचीन इतिहास को हम तीन काल खंडों में बांट, इतिहास को तीन काल खंडों में बांट सकते हैं, तीन भागों में। तो पहला आपका इतिहास का विभाजन है इतिहास का विभाजन। अब इतिहास का पहला विभाजन होगा प्रागैतिहास, फिर होगा आद्यतिहास, फिर होगा ऐतिहास। अब आप सोचिए कि इन शब्दों में डिफरेंट क्या, अंतर क्या होगा, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें अंतर क्या है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से आशय उस काल से है जिस काल में कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। यहां तक कोई इतिहास का पिता नहीं है, यहां तक कोई इतिहास का पिता नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी रचनाएं लेखक नहीं है। अब इस इतिहास को जानने के लिए हम वहां के पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में आपका आता है मुख्य रूप से पाषाण काल। इस युग को पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, अन्य उपकरणों का प्रयोग किया होगा तो लोहे का किया होगा तो जंग लगने से गायब हो चुके हैं, और अगर हड्डी के उपकरण किए होंगे तो हड्डी भी समाप्त हो सकती है। तो इस काल में बहुतायत मात्रा में पत्थर के उपकरण मिले। मनुष्य गुफाओं में रहता था, पत्थर की गुफाओं में रहता था, पत्थरों पर सोता था, पत्थरों का घर बनाता था, पत्थरों से युद्ध करता था, इसलिए इस काल को पूरा पूरा पाषाण काल कहा गया। मनुष्य इस काल में क्या करता है, पाषाण काल में आग का आविष्कार करता है, आग की खोज करता है, आग की खोज होती है इस काल में, और फिर पहिए का आविष्कार होता है, और मनुष्य जो है अब स्थाई जीवन की ओर लौटता, स्थाई जीवन का मतलब खेती करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि खेती करेगा तो एक सीजन की फसल तैयार होने में 6 महीने का टाइम लगता है। तो धीरे धीरे मनुष्य में अब भी घुमंतु जीवन के अतिरिक्त जो है अब स्थाई जीवन की शुरुआत होने लगती है, ये पाषाण काल है। अब इस काल के इतिहास को जानने के लिए हम यहाँ के कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली और न ही सिक्के होते थे, इस काल में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं इस काल को जानने के लिए। इस काल को जानने के लिए हम मृद भांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन से मृद भांड कहते हैं, उपकरणों का अध्ययन करते हैं, औजारों का अध्ययन करते हैं, और इसके बाद जो है हड्डियों का अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करके हम इस काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ गए विकास क्रम कैसे पता चलेगा। देखिए विकास क्रम इसका पता चलने का एक बहुत सरल माध्यम है। आप अगर इस काल के मतलब विकास क्रम को देखना चाहते हैं पाषाण काल के, तो आपको हम बहुत सरल विधि बताते हैं कि इस काल का विकास क्रम कैसे आप देख सकते हैं। तो आपको बताते हैं इस काल में हम औजारों और उपकरणों का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए कि यह एक उपकरण मिला, ठीक है, अब यह उपकरण खुरदरे रंग का है, क्या है, खुरदरा बना हुआ है और भारी है, खुरदरा हुआ भारी है। आप ये जान लीजिए कि यह जो है उपकरण प्रारंभिक पाषाण काल का होगा, अर्थात निम्न पाषाण काल का होगा। अब ये छोटा और
पालिश युक्त बनने लगा, छोटा वह पालिश युक्त बनने लगा। आज पालिश युक्त बनने लगा और नुकीला अधिक हो गया तो यह जान लीजिए कि यह जो है उसके बाद का होगा, अर्थात मध्य पाषाण काल का होगा। और इसके बाद विकास क्रम में देखा जाए तो उपकरणों में कुछ ऐसी उपकरणों की आकार आविष्कार होता है, नए उपकरण आने लगते हैं जो प्रायः जिसमें हत्थे लगाए जाने लगे, जिसमें आप जान लीजिए कुल्हाड़ी का आविष्कार, कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ इस काल में, इस काल में जो है कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ और कुल्हाड़ी में बेंत लगाया जाने लगा। अभी बेंत की प्रक्रिया शुरू होती है, हत्था या मूठ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मूठ या हत्था या बेंत, अब ये लगाया जाने लगा जिससे किसी चीज को चलाना, दूर से वार करना आसान होने लगा। इसी से पाषाण काल का पता चलता है। इस काल में इससे तो आप डेट का पता, विकास क्रम पता लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप जो है C14 इसी को रेडियो कार्बन तिथि बोलते हैं, रेडियो कार्बन तिथि बोलते हैं, इससे भी जानकारी प्राप्त होती। आर्गन विधि है, आर्गन विधि से जानकारी तिथियों का पता लगाता है। वलय विधि है, वलय विधि इससे इस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं, तिथियों का पता लगाता है। रेडियो कार्बन है, आर्गन विधि है, वलय विधि है। वलय विधि वृक्षों में आपने देखा होगा कभी वृक्ष जब पड़ता है इस तरह की लाइनें बनी होती है, तो जब कोई वृक्ष उस काल का प्राप्त किया जाता है तो ये देखा जाता है कि कितना पुराना रहा है, इससे जाकर वलय विधि से भी पता लगाता है। ये पहले विधि ये मतलब समय सीमा लगाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, सबसे उपयुक्त विधि जो है रेडियो कार्बन ही सिद्ध हुई है C14। ठीक है, ये जो है आपका पता लगाने की एक विधि है। ठीक है, समझ गया। इसके अतिरिक्त जो है अब आप बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में, आपका निम्न पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है। ठीक है, इसके बारे में फिर बाद में और विस्तार से बताया जाएगा। अब आप देखिए कि मोटे तौर पर आप इतिहास पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए कि ये विभाजन के बाद अब आता है आदैतिहासिक काल। अब दूसरा काल है प्रागैतिहासिक के बाद प्रागैतिहास, ये आपका पहला था और दूसरा आपका जो है वह क्या है, आदैतिहास। आदैतिहास, आदैतिहास या वह काल है जिसमें कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई। लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, इस आदैतिहासिक काल में लिखित सामग्री प्राप्त हुई है किंतु अब पढ़ी नहीं गई है। आदैतिहासिक काल में मुख्य रूप से आप शामिल करते हैं किसको, सैंधव, सैंधव सभ्यता और दूसरा जो है वैदिक सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं ऐसी हैं जिससे मनुष्य को लिखने का ज्ञान तो प्राप्त था किंतु यह जो है पढ़े नहीं गए। बाद में वेदों की रचनाएं हुई हैं, वेद उस काल के बारे में जानकारी जरूर देते हैं वैदिक काल में, लेकिन वो अपौरुषेय है अर्थात मनुष्य द्वारा लिखित नहीं। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इस काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए अब हम बात करेंगे। आद ऐतिहासिक काल को जानने के लिए हम जो है अब जैसे सैंधव सभ्यता को लेते हैं तो यहां पर नगर अवशेष जो प्राप्त हुए हैं उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है कला
अब कला में आप देखें तो इसमें लोक कला मूर्तियां लोक कला मूर्तियां ये मिल रही हैं, राजकीय कला जैसे विशाल स्नानागार भवन, क्योंकि राजा का कभी इसमें उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन विशाल अन्नागार स्नानागार और सभागार इसके राजकीय कला की ओर संकेत करते हैं। सैंधव सभ्यता विश्व की सर्वश्रेष्ठ कलाओं में है और इस कला के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, मुहरों का अध्ययन करते हैं और इसके व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन करते हैं। अब आप देखिए कि इसके भवन भवन आप अगर देखें सैंधव सभ्यता की जो विशेषताएं हैं भवनों से इसके इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे सुनियोजित नगर योजना दिखाई देती है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि सैंधव सभ्यता की जितने भी भवन हैं वो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटते हैं, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हुई गलियों में बने हुए, ये नगर नियोजन की सबसे अच्छी विशेषता बताई जाती है, समकोण पर काटती हुई जो है सड़कें, इसकी सड़कें जो है क्या करती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, इस तरह से ये समकोण है और ये आपका राजमार्ग है, क्या है राजमार्ग है, और राजमार्ग के अतिरिक्त जो है गलियां हैं। अब इनके बगल से गलियां भी बनाई गई हैं, गलियां बनाई गई हैं और जो घर होते थे घर जो है ये इस तरह से बटे हुए, घर के दरवाजे हमेशा गलियों की ओर खुलते थे, दरवाजे जो है गलियों में खुलते थे, मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे, अब बल्कि वो किधर खुलते थे गलियों की ओर खुलते थे। इससे ये पता चलता कि यहां के लोग शांत प्रिय रहे होंगे, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है मुख्य मार्गों के बगल में और छोटे मार्गों के बगल में भी नालियां बनाई गई हैं। हर एक घरों में स्नानागार मिला है किंतु शौचालय यहां से प्राप्त नहीं हुआ है, ये सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ी बात है कि शौचालय नहीं मिले हैं सैंधव सभ्यता से, नगर सब कुछ मिला है शौचालय नहीं मिला है, स्नानागार मिला, सभागार मिला, अन्नागार मिला, सुनियोजित नगर योजना मिली, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था मिली और प्रकाश की भी सुविधा मिली, चबूतरे बनाए गए मतलब सड़कों पर दुकान लगाने की भी अच्छी व्यवस्था, लेकिन इसमें शौचालय नहीं, इसीलिए इस सभ्यता को हम सुमेरियन सभ्यता के पूर्ववर्ती मतलब उत्तरवर्ती सभ्यता मान लेते हैं, नहीं तो यह पूर्ववर्ती सभ्यता कही जाती। सैंधव सभ्यता की अब इसके अध्ययन को बता दें कि कैसे आप जानेंगे यहां पर धर्म क्या था, समाज में क्या प्रचलन था, तो यहां पर मोहरे मिली हैं, मोहरे मूर्तियां जो मिली हैं मोहरों से, जैसे किसी ऐसी एक मोहर मिली, मोहरों को ताबीज कहा जाता था, इनकी मोहरों को कुछ विद्वानों ने ताबीज ही माना है, क्योंकि ये इस ताबीज के आकार की होती थी इस तरह की, तो अब एक मुहर पर ऐसा दृश्य मिला है, एक पेड़ है जो एक स्त्री लेटी हुई है, एक लेटी हुई स्त्री के नाभि से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, क्या निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया है। अब इसको आपको पता क्या चल रहा है कि यह उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी पृथ्वी होगी और दो आदमी झांक रहे हैं उसके नाभि में, ये उर्वरता तो योनि पूजा का विकास दिखाई दे रहा है, योनि पूजा दिखाई दे रही है, वृक्ष पूजा है, योनि पूजा, वृक्ष पूजा, विभिन्न मोहरों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ और पत्तियों का अंकन और ऐसे भी दृश्य दिखाई दे, जैसे एक मोहर ऐसी मिली है जहां पर एक बालक एक आदमी आगे जा रहा है जो बकरे को पकड़े हुए जा रहा है, पीछे से एक आदमी कुछ काटने का सामान और टोकरी लिए आ रहा है, जिसे पता चलता है, और मुहर में एक वृक्ष की डाली निकाली गई है, डाली पर एक स्त्री
पैरों को नीचे झुलाए हुए बैठी हुई है और वह उन मनुष्य की ओर देख रही है। मनुष्य जो है उसको ले आ रही, इससे पता चलता है कि बलि की व्यवस्था प्रचलित थी। तो वृक्ष योनि वृक्ष पूजा में भी ये माना गया है कि देवताओं का वहां पर वास रहा होगा, तो ये व्यवस्था है। इसके बाद यहां पर मूर्तियों में नर्तकियों की मूर्ति, मोहन जोदड़ों से भारी मात्रा में ऐसी मूर्तियां प्राप्त हुई है जो नर्तकियों की है। इससे पता चलता है कि समाज में नृत्य प्रचलित था और भारी मात्रा में देवियों की मूर्तियां मिलना मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को बताता है। इससे पता चलता है कि समाज में स्त्रियों का वर्चस्व था और समाज मात्र सत्तात्मक सत्ता में विश्वास करता था, ये इससे पता चलता है। इसके बाद वैदिक सभ्यता में आप देखिए मंत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, मंत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था का कोई भी उपाय नहीं मिलता है। अब आप देखिए कि अब दूसरा इतिहास का इसमें जो व्यवस्था है वह है आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री मिली और यह पढ़ी भी गई, तो इसमें जो सामग्री मिली है जैसे जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, नाटक, उपन्यास, ये संस्कृत के हैं विशेष रूप से, बौद्ध ग्रंथ पाली, संस्कृत दोनों में मिले हैं, जैन ग्रंथ जो है ये भी आपकी पाली संस्कृत भाषाओं में मिले हैं। अब इनसे भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त महाकाव्य, महाकाव्य, अब महाकाव्य काल भी है। महाकाव्य में जैसे आप देख लीजिए रामायण, महाभारत, रामायण महाभारत मुख्य रूप से शामिल है। रामायण महाभारत से महाकाव्यकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है और इससे समाज की स्थितियों का पता लगा। जैसे आप देखिए रामायण, अब आप सोचते होंगे रामायण से कैसे उस काल की व्यवस्था का पता लगा सकते हैं, तो अब आप जान लीजिए। जैसे रामायण काल में देखिए तो स्त्री दशा देखिए, तो स्त्री दशा अगर रामायण काल की देखेंगे तो आप सीता को उदाहरण मान लीजिए, सीता को आप उदाहरण मान लीजिए इसमें, तो महाभारत रामायण काल में क्या होता है, सीता का विवाह जो है किसके द्वारा होता है, स्वयंवर द्वारा। स्वयंवर माने स्त्री को, अभी राम सीता के इससे पता चल रहा है कि स्त्री को समाज में स्वयंवर करने का अधिकार था। अब वही राजा दशरथ को देख लीजिए, दशरथ के देखेंगे तो दशरथ की कई रानियां थी। अब कई रानियां थी तो इससे क्या पता चलता है, बहुपत्नी विवाह प्रचलित था समाज में, बहुपत्नी विवाह प्रचलित था। दशरथ को देख रहे हैं कि भाई तीन रानियां हैं, तो तीन रानियां मतलब एक से अधिक हो गई तो बहुवचन हो गया, बहु से विवाह करने का प्रचलन, बहु विवाह प्रचलित था। जो बहु विवाह है यह किसके क्या है, यह है आपका उदाहरण है बहु पत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। पिता का पुत्र पर पूरा अधिकार है, क्योंकि राम को दशरथ ने घर से निकाल दिया था, वन को भेज दिया था, इससे पता चलता है पिता का पुत्र पर पूर्णतः नियंत्रण था। पुत्र जो है हमेशा पिता के अधीन होता था। और पत्नी सीता का और एक उदाहरण लीजिए, सीता को क्या किया गया था, गर्भावस्था में भी घर से निकाल दिया गया था। इससे क्या पता चलता है कि इस काल में महिलाएं जो है पति द्वारा त्याग भी थी, समाज में ऐसी व्यवस्था
की गई थी, इसीलिए सीता को भी भगवान राम ने अंत में क्या किया था, त्याग दिया। इससे ये पता चलता है कि समाज में ये व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त जो है स्त्री का अपहरण दंडनीय अपराध था, क्योंकि सीता का जब अपहरण रावण ने किया तो राम ने उसे क्या किया, मृत्यु दंड दिया। इसे पता चलता है कि दूसरे की पत्नी का हरण करना समाज में निंदनीय कार्य माना जाता था, क्योंकि सीता का अपहरण करने पर रावण को मृत्यु दंड मिला और सुग्रीव की पत्नी का अपहरण करने पर बाली को भी मृत्यु दंड मिला। इससे पता चलता है कि समाज में पत्नी का अपहरण दंडनीय अपराध माना जाता था। अब वहीं देख लीजिए महाभारत काल में, महाभारत काल में भी आप देखेंगे तो द्रौपदी स्वयंवर देख लीजिए, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, यहां पर भी क्या दिखाई देता है, स्वयंवर व्यवस्था थी और यहां पर एक नई व्यवस्था दिखाई देती है, बहु पत्नी विवाह तो प्रचलित ही था, इसके अतिरिक्त बहु पति विवाह भी प्रचलित था। ये जो है आपको दिखाई देता है बहु पत्नी विवाह और बहु पति विवाह भी दिखाई, जैसे द्रौपदी के पांच पति थे, पांचों पांडव उसके पति थे, इस तरह की ये व्यवस्था दिखाई दे। इससे क्या होता है समाज में, आप महाभारत और रामायण कालीन समाज को इसी विधि से आप देख सकते हैं, आपको नायकों का उदाहरण लेना है और इसी विधि से इस काल को आप बता सकते हैं, ठीक है। यह ऐतिहासिक काल रहा। जैसे आप जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जो है विभिन्न राजाओं की ग्रंथावलियां प्रस्तुत करते हैं, बौद्ध ग्रंथ है प्रस्तुत करते हैं, नाटकों से जानकारी मिलती है, जैसे मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, और कालिदास के नाटक हैं वो जानकारी देते हैं, कालिदास के नाटक से 2016 में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। मार्गदाग्नि मित्रम किस नायक की चर्चा करता है, इससे भी जानकारी, महाकाव्यों से भी जानकारी मिलती है, पुराण, पुराणों से जानकारी मिलती है, पुराण जानकारी दे रहे हैं, वेद दे रहे हैं जानकारी, और इसके अतिरिक्त जो है ज्योतिष ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथों से भी इस काल की जानकारी मिल रही है और तमाम कहानियों से भी इस काल की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है आप ये जान लीजिए कि अब हम इस इतिहास को जानने के लिए, ऐतिहासिक काल को जानने के लिए अगर हम देखें तो ऐतिहासिक काल में हम इसको देख सकते हैं, आपके जो है नाटक, कहानी, उपन्यास, अभिलेख, भवन, ये जानकारी देते हैं, ताम पात्र भी देते हैं, ताम्र पत्र से भी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण से भी जानकारी प्राप्त होती है, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें आप, आपके हो गए चीनी, तिब्बती, चीनी हो गए, तिब्बत के हो गए लामा लोग, इसके बाद यूरोपीय यात्रियों के विवरण, इससे जो है हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है अरबी लेखक, अरबी लेखक से जानकारी प्राप्त होती है, अरबों के मुगल काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आप सोचते होंगे कि ये पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2018 के यूपीएससी में यहां से 3 प्रश्न उठा दिया। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि यूपीएससी के मेंस में 3-3 प्रश्न यहां से पूछ लिया। पहला पूछा था कला का संरक्षण क्यों आवश्यक,
ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा वर्ण व्यवस्था, यहीं से क्वेश्चन उठा दिया। तीसरा चीनी व अरबी लेखकों का इतिहास लेखन में योगदान, ये पूछ रहा है। अब आप सोचिए कि इतिहास जानने के साधन से यहीं से पूछ लिया। गंधार, गंधार कला, इस पर टिप्पणी आई थी। अब आप सोचिए कि एक जगह से चार चार क्वेश्चन और वह भी मुख्य परीक्षा में एक साल में पूछ रहा है और आप इसको पढ़ना नहीं चाहते। अब आप सोचिए कि अगर इसको आप पढ़ें तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक परीक्षा में भी किसी अभिलेख का नाम, जैसे अभी देखिए 2019 की परीक्षा में, यूपीएससी की परीक्षा में पूछा था सैंधव सभ्यता के तीन पुरास्थल पूछा था, और एक जो है अतिरिक्त दे दिया था, कहां का एक जो है आपको दिया था अशोक का अभिलेख दे दिया था, उसमें पूछा था क्वेश्चन कौन सैंधव सभ्यता का पुरास्थल नहीं है। आप सोचिए एक अभिलेख का नाम दे दिया था, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा, तीनों नाम इतने मिलते जुलते थे तो उनको अलग करना कठिन था, तो आप ये सोच लीजिए। और दूसरा एक क्वेश्चन हमेशा यहीं से उठा देता है, सैंधव और वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन उठा देता है। ठीक है, तो इतिहास जानने के ये मुख्य रूप से साधन रहे हैं। अब इसके बाद आपको बता देते हैं कि इतिहास जानने के साधनों के अतिरिक्त जो है अब आपकी इतिहास का जो काल विभाजन हुआ, वह विभाजन के अतिरिक्त आप जो है ऐतिहासिक युग की जो शुरुआत हुई, राज्यकाल शुरू हुआ, वह कौन हुआ? तो पहला काल जो है इतिहास में आपको मिलेगा हर्यक वंश का मिलेगा, हर्यक वंश। अब हर्यक वंश इस काल, आप एक तरह से समझिए कि जब दशराज्ञा युद्ध हुआ वैदिक काल में, तो सब दस राजाओं में से राजा सुदास की विजय होती है, दस राजाएं राजा पराजित हो जाते, तो हर्यक वंश आया। अब हर्यक वंश ने पहली बार शुरुआत की किसकी, राज्य सत्ता की, और इस समय भारतीय पृष्ठभूमि पर चार प्रमुख शक्तिशाली राज्य दिखाई देते हैं, जनपद जिनको कहा गया है, और इन चार महाजनपदों जो शक्तिशाली थे इनके बीच संघर्ष होता, और इसके अतिरिक्त जो है गणराज्य और महाजनपद दिखाई देते, 16 महाजनपदों का उल्लेख इस काल में हुआ है। तो आप जान लीजिए कि ये सत्ता जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश जो है मगध या जो है पटना, आधुनिक पटना व गया, इन दो जिलों में फैला हुआ था मगध। अब मगध की सत्ता पर पहली बार सत्ता स्थापित करता है हर्यक वंशीय राजा, जिसका नाम था बिंबिसार। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा हुआ, और यह जैसे ही गद्दी पर बैठा, यह दो प्रकार की नीति का को अपनाया, पहला विवाह नीति और दूसरा जो है युद्ध नीति। ये दो प्रकार की नीति अपनाया, विवाह नीति और युद्ध नीति। अब आप सोचते होंगे विवाह नीति द्वारा एक राजा कैसे अपने राज्य को मजबूत बना सकता है, कैसे अपने राज्य का विस्तार कर सकता था। आपको बता दें महावग जातक कथा में बिंबिसार के 500 विवाह का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसके तीन प्रमुख विवाह थे, जिसमें पहला था चेटक की पुत्री छलना, या इसी को चेलना भी कहा गया है, इसके साथ यह विवाह करता है, क्योंकि चेटक जो है उस समय नव मल्लों और नव गणों का प्रधान था, और ये हमेशा मगध के दक्षिणी सीमा से इसमें लूटपाट करते, तो उसको सुरक्षित करने के लिए यह इसलिए एक पहला विवाह किया।
और दूसरा विवाह करता है मद्र देश से, मद्र देश की कन्या छेमा से विवाह करता है। और मध्य देश का विवाह करने पर इससे दो प्रकार का लाभ होता है, एक तो विवाह हो जाता है मध्य इसका संबंधी बन जाता है, दूसरा यह जो है प्रद्योत पर नियंत्रण कर पाता है, प्रद्योत पर नियंत्रण कर पाता है। तो प्रद्योत पर जब यह नियंत्रण करता है प्रद्योत, क्योंकि प्रद्योत भी मध्य देश का मित्र था और मित्रता होने के कारण जब उसकी बहन आई इसके घर छेमा आई तो प्रद्योत का अवंत जो है प्रद्योत का मतलब प्रद्योत जो है अवंत का राजा प्रद्योत भी बिंबिसार का मित्र बन जाता, मगध का मित्र बन जाता है। और तीसरा विवाह किया था जो आर्थिक विवाह था वह काशी को प्राप्त करने के लिए क्या करता, प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से करता है, महाकोसला से करता है। अब आप सोचते होंगे बिंबिसार को लेकर और भी कुछ प्रश्न आते हैं। अब आपको बता दें तीनों विवाह के बारे में तो पूछेगा ही, महावक जातक में कितने विवाहों का उल्लेख मिलता है, प्रथम राजा कौन था, अब मगध को किसने विजय पताका की शुरुआत की जो अशोक के शस्त्र त्याग के बाद समाप्त हुआ, तो ये आप जान लीजिए। और इसने अपनी राजधानी को कहां बनाया था, राजधानी मगध की राजधानी क्या थी उस समय, गिरिवज्र थी, क्या थी, गिरिवज्र इसकी राजधानी थी, गिरिवज्र इसकी क्या थी, राजधानी थी, गिरिवज्र को इसकी राजधानी बनाता है। और इसके बाद इससे जो प्रश्न आता है वो पूछता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन राजाओं में आपको बता दें कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, अब इसमें प्रसेनजीत का नाम आता है, प्रसेनजीत रहे और बिंबिसार रहा, बिंबिसार और इसके बाद प्रद्योत, चेतक, चेतक को लेकर कई बार क्वेश्चन, क्योंकि चेतक जो है चेतक की बहन जो है महावीर प्रसाद महावीर स्वामी की मां भी थी, तो ये भी आप जान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछता है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन सा वैद्य था, डॉक्टर था जो महात्मा बुद्ध के समकालीन था, जो जीवक का नाम आया, जीवक है इसका उत्तर, क्योंकि जीवक जो है जब पांडु रोग पीलिया से ग्रसित हो जाने पर प्रद्योत की चिकित्सा करने के लिए अवंती भेजा गया था, तो जीवक का नाम आया, ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था। इस तरह से इससे प्रश्न आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है अब आप देखिए कि इस वंश का अगला वंशावली देखेंगे तो बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजात शत्रु राजा बना, अजात शत्रु राजा बना बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु राजा बना। अजात शत्रु के समय में मुख्य घटनाएं क्या हैं, बुद्ध की मृत्यु होती है, बुद्ध की मृत्यु होती है इसके समय में, और बुद्ध की मृत्यु होती है और प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन भी होता है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां होता है, बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ था, 483 में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उस समय हुआ कहां पर हुआ, गिरिवज्र में हुआ, गिरिवज्र की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ये आपको क्वेश्चन पूछा बीसी में हुआ था। देखिए एक प्रश्न इससे ये बनता है, ये बौद्ध संगतियों को लेकर एक प्रश्न बनता है कि चारों बौद्ध संगतियों में अंतर क्या है, तो आपको बता दें कि जैसे चार बौद्ध संगति हुई, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो प्रथम जो हुई थी वो कहां हुई थी, गिरिवज्र में हुई थी और सप्तपर्णी गुफा में हुई, ये कहां है, बिहार। द्वितीय कहां हुई, वैशाली।
किसके शासनकाल में हुई? ये जो है नागवंशी राजा के शासनकाल में हुई, जिसका नाम कालाशोक था। द्वितीय वैशाली में हुई और ये कहां है? बिहार में है। और तृतीय जो है पटना में हुई अशोक के समय में, यह कहां है? बिहार में। अब आप सोचिए कि ये तीनों बौद्ध संगतियां बिहार में हुई, लेकिन चतुर्थ जो बौद्ध संगति है इसमें अंतर क्या है? पहली बात, ये पूरी संगतियां जो है बीसी में हुई हैं, और ये हुई है एडी में, ईस्वी में हुई। दूसरा, ये तीनों भारतीय राजा थे, ये विदेशी राजा था, और ये जो है कश्मीर में हुई, और कश्मीर में हुई कुंडलवन में। तो आप ये जान लीजिए ये और बिहार से अलग है। ये तीन प्रमुख लक्षण इस संगत के विशेषता रही है, ठीक है? ये ईस्वी में हुई, विदेशी राजा द्वारा किया गया, और कश्मीर में हुआ जो बिहार से बाहर, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी रही। तो अजात शत्रु की उपलब्धि ये थी, अजात शत्रु ने ही प्रसेनजीत को हराया, और प्रसेनजीत की बहन पुत्री वजीरा से विवाह किया। बाद में जैसा ये बोया था वैसा इसको काटना पड़ा, क्योंकि यह भी अपने पिता के क्या करता है, मृत्यु पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। अब इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन द्वारा किया जाता है। उदयन, इसी को उदयभद्र भी कहा गया है। उदयभद्र, उदयन एक अलग राजा है, ध्यान दे लीजिए। उदयन जो है वो कौशाम्बी का राजा था, इलाहाबाद के निकट का। तो उदयन अलग है, उदयभद्र अलग है। उदयन, उदयन की समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? यह जो है क्या करता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। पाटलिपुत्र अर्थात पटना, पटना को अपनी राजधानी बनाता है। और इसका प्रमुख कार्य था नगर का निर्माण करता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है, और इसका और कोई भी योगदान नहीं रहा है। इसके बाद इसकी हत्या भी, यह भी अपने पिता की हत्या करके हुआ, इसकी हत्या जो है किया अनिरुद्ध और मुंडक और नाग दशक। ये तीनों राजा मिलकर के अपने पिता की हत्या करके राजा बन गए। ये अंतिम राजा था नाग दशक, नाग दशक की हत्या करके ही शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना किया। अब इसलिए अब इस वंश के नाम से ही पता चलता है कि पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है। पितृहंता वंश इसको एक गाली स्वरूप नाम दे दिया गया है, अर्थात इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछता है पितृहंता वंश कौन है, तो आप इसका नाम बता सकते हैं कि पितृहंता वंश जो है किसको कहा जाता है, मतलब इसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अब इस वंश का अंतिम राजा था नागदशक, नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना करता है, नाग वंश की स्थापना करता है। और नाग वंश के दो प्रतापी राजाओं में एक नाम आता है कालाशोक का। कालाशोक बहुत ही काला था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। कालाशोक, इसी को काकवर्ण भी कहा गया है। काकवर्ण बहुत ही कुरूप था, काला था। इसलिए अब इसकी पत्नी बड़ी ही सुंदर थी काकवर्ण की। और काकवर्ण की समय की जो प्रमुख घटना थी, ये राजधानी वैशाली बनाता है, वैशाली को राजधानी बनाता है। राजधानी बनाया किसकी? मगध की। और इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन होता, द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन इसके काल में होता है। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन इसके शासन काल में होता है, वो कहां होता है? वैशाली में होता है। और ये ठीक 100 साल बाद, मतलब 383 में हुई थी, 383 में हुई बीसी में, ठीक है? तो काकवण की हत्या करके, कालाशोक की हत्या करके एक नाई था जाति का, हर्यक मतलब महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना करता है। और ये नंद वंशी राजा जो था, इसकी उपाधियां जो थी बहुत बड़ी उपाधियां थी,
इसकी जो उपाधियां थी वह बहुत बड़ी बड़ी थी। इसको जो है परशुराम भी कहा गया है और सर्वक्षत्रांतक कहा गया है। सर्वक्षत्रांतक कहा गया है इसको। और यह इतना प्रतापी राजा था कि इसके सामने सिकंदर, इसके बनाए हुए राज्य पर सिकंदर की सेनाएं भी आक्रमण करने से मना कर देती। ये इतना प्रतापी राजा था, लेकिन इसका जो पुत्र था वह जो है बहुत ही निर्बल था। और यही कारण है कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना इसी के पृष्ठभूमि पर किया। तो यह एकराट की उपाधि प्राप्त किया था। इसकी उपाधि एकराट भी थी, एकराट इसकी उपाधि थी। पहली बार किसी राष्ट्र का निर्माण करने का श्रेय महापद्मनंद को जाता है। महापद्मनंद अगर दलित राजा न होता तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य से भी प्रतापी राजा बताया जाता। लेकिन इसी के पुत्र घनानंद नंद वंश की महापद्मनंद का पुत्र जो है घनानंद था, घनानंद इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की नींव पड़ती है। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो इतिहास है इसको मैं अगली वीडियो अगले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इतना आप इसको पढ़ लीजिएगा, मोटे तौर पे इतिहास है आपका। इसको हम अगले पाठ्यक्रम जब अगला पढ़ाएंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से एक मोटे तौर पर इस तरह से पूरा इतिहास आपको बता देंगे और इसके बाद आपको इसको विस्तार से पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, ओके, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।